प्यारे बच्चे आइए चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th क्लास की मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पिछले क्लास में 5.6 एनसीईआरटी 12th मैथ का 5.6 हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.7 का थ्योरी। यहां लिखेंगे थ्योरी किस एक्सरसाइज का, तो 12th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.7 का। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले 5.7 का थ्योरी, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए इसका टॉपिक्स है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग पहले समझेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएट इन टू टाइम्स आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों अगर कोई भी डिफरेंशिएशन को हम लोग उसी को कितना बार करना है, डिफरेंशिएशन दो बार करना है, यानी कि कोई भी डिफरेंशिएशन को जब अगर हम लोग दो बार डिफरेंशिएशन कराएंगे उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि सबसे पहले कुछ वैल्यू दिया रहेगा, अब उसका वैल्यू बोलेगा कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो या डिफरेंशिएशन सेकेंड बार करो, यानी कि जब एक बार करेंगे और फिर जो आंसर आएगा फिर से उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तब वो प्यारे बच्चों दो बार हो गया डिफरेंशिएशन। और किसी भी डिफरेंशिएशन को जब हम लोग दो बार करते हैं उसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही बोला है कि अगर कोई फंक्शन वाई में यदि कोई फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स है अगर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे इन टू टाइम्स दो बार उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन को dy बाय dx से सूचित करते हैं उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किससे सूचित करते हैं d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। जी हाँ आप लिखना अच्छा से सीखेंगे d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड बार डेरिवेटिव यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन। या फिर y2 से भी सूचित कर सकते हैं या y पर डबल डैश से भी सूचित कर सकते हैं, f डबल डैश x से भी सूचित कर सकते हैं या कैपिटल D के पावर 2 लिखकर y से भी सूचित कर सकते हैं। प्यारे बच्चे चलिए आइए हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्यारे बच्चे जैसे एग्जांपल में आपको क्वेश्चन दे दिया y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों y का वैल्यू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया और आपको बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ये सवाल आपको बोल रहा है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों आपको ये बोलता था कि डिफरेंशिएशन निकालो तो आप सोच पा लेते थे कि हमको dy बाय dx निकालना है। ऐसे ही अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेगा निकालने के लिए तो आप सोच पाएंगे कि हमें डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है या फिर y2 का मान निकालना है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर को y2 से भी सूचित कर सकते हैं, y डबल डैश भी, f डबल डैश x से भी और कैपिटल D 2y, यानी कि इतना तरीके से हम लोग सूचित किया जा सकता है डिफरेंशिएशन को। तो अगर हम लोग को बात किया जाए कि सवाल तो मेरा ये है y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए। तो एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग किससे दिखाते हैं प्यारे बच्चों dy by dx dx से। अब जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा d साइन एक्स बटा dx प्लस d x स्क्वायर बटा dx और साइन एक्स का प्यारे बच्चों cos x प्लस इसका कितना होगा तो 2 आगे आ जाएगा और x के पावर 1 बचेगा, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करने से cos x प्लस 2x आया। प्यारे बच्चों जब एक बार करने से जितना वैल्यू आया अब हम लोगों तो को क्या करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा अगेन, हम दोबारा से कर रहे हैं तो जब इसी dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तब उसको सूचित करते हैं डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर।
ये हर बार आपको लिखना होगा। d का स्क्वायर ऊपर किया जाता है और नीचे x का स्क्वायर किया जाता है। अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो हो गया कि हम लोग सूचित कर रहे कैसे डिफरेंशिएशन को dy by dx लिख देते हैं, वैसे ही यहाँ पे जब दूसरा बार करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डीएक्स स्क्वायर, और जब तीसरा बार करेंगे तो डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू। प्यारे बच्चों जब चौथा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी के पावर चार वाई बटा डी एक्स के पावर चार। ये सूचित करने का प्यारे बच्चों एक तरीका है, आप यहां ये नहीं समझिए कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कभी नहीं। यहां पे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तब होता जब यहां पे टू नहीं होता, समझ रहे हैं? यहां डी स्क्वायर है और यहां एक्स स्क्वायर, तो समझना होगा कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अब दो बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, जो एक बार डिफरेंशिएशन करके मेरा आया है उसी को फिर से करेंगे, यानी कि कॉस एक्स है तो यहां पे आपको डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स प्लस प्लस डी टू एक्स बट्टा डी एक्स। यानी कि प्यारे बच्चों जो हम लोगों को एक बार डिफरेंशिएशन करने से आया, जब उसको दूसरा बार करते हैं तो उसको दिखाते हैं किससे, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। इससे देखने से ये पता चल रहा है कि आप दिया गया जो इक्वेशन था, समीकरण था, आप दो बार डिफरेंशिएशन किए हैं। हालांकि जो एक बार का जो आंसर आया है उसको करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में ही कराएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कॉस एक्स का बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस टू, जैसे ही बाहर होगा तो प्यारे बच्चों डी एक्स बाई डी एक्स जिसका वैल्यू हो जाएगा वन। तो कुल मिलाकर जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आया टू माइनस साइन एक्स, माइनस को बाद में रख दिए। तो सेकेंड ऑर्डर बोले, थर्ड ऑर्डर बोले, अच्छा अगर हमसे बोलता कि आप थर्ड ऑर्डर निकालो, तो प्यारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरा बार वाला का आंसर आया है अब इसी को तीसरा बार करते हैं, तो डी क्यू वाई बट्टा डी एक्स क्यू लिखते बराबर, अब टू का हो जाएगा जीरो और माइनस का माइनस, साइन एक्स का कॉस एक्स। यानी कि कितना बार भी हमें डिफरेंशिएशन करने बोले हमको क्या करना होगा, उसके पहले वाला, यानी कि अगर हमको पांचवा बार डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो हमको शुरू से चार बार तक के अपने से निकालना होगा, फिर हम लोग पांचवा बार डिफरेंशिएशन के लिए पहुंचेंगे। तो बहुत इजी है, अगर आप आज तक के सवाल में एक बार डिफरेंशिएशन करना सीख लिए प्यारे बच्चों, तो आपको दो बार कहे, तीन बार कहे, चार बार कहे, कितना बार भी एक डिफरेंशिएशन बोलेगा हम उसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर से कुछ और देखते हैं कि हम लोग डिनोट्स ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को कैसे करते हैं। डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि कोई भी डेरिवेटिव के ऑर्डर को डिनोट्स कैसे करते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर बोलेगा, थर्ड ऑर्डर बोलेगा, तब हम लोग कैसे करते हैं। तो यहां लिखेंगे, आगे टॉपिक बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग कुछ डिनोट्स करने का तरीका सीखते हैं, अगर कितना भी अगर ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव बोलेगा तो हम लोग कितना कितना तरह से उसको सूचित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा यानी सिर्फ डिफरेंशिएशन बोलेगा तो आप डीवाई बाय डीएक्स से सूचित कर सकते हैं, आप y1 भी सूचित कर सकते हैं, y डैश से भी सूचित कर सकते हैं, f डैश x से भी सूचित कर सकते हैं, और कैपिटल D के पावर 1 और y से भी सूचित कर सकते हैं। प्यारे बच्चे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, या फिर बुक में दिया है वो dy by dx दिया है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब हमको dy by dx वाला फॉर्म को ज्यादा यूज करना है। हालांकि ये नॉलेज आपको इसलिए दे रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में, कोई भी अलग अलग तरह की बुक में इसी dy by dx को y1 भी लिख सकता है। तो अगर आपको बोलेगा कि कुछ समीकरण देके और आप y1 का मान निकालिए, तो आपको समझना होगा कि y1 का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, y डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन, एक बार याद रहे। क्योंकि अगर उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेगा तो उसको इतना तरीके से दिखा सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर कर देंगे, इससे भी सूचित कर सकते हैं, वाई टू वाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स डी स्क्वायर वाई। थर्ड ऑर्डर रहेगा तो डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू, वाई टू के जगह पे वाई थ्री, ये बता रहा है कि हमको तीन बार डिफरेंशिएशन करो। तो इस तरीके से हम एक टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ये पढ़े कि एक ही डिफरेंशिएशन को डी वाई बाई डी एक्स को प्यारे बच्चों इतने तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अगर आपको
इतने में से कोई भी चीज मिले तो आप ये नहीं बोलिएगा कि हम तो ऐसा पढ़े ही नहीं है। अगर आपको ये बोलेगा कि y बराबर अगर x स्क्वायर देकर और d1y बोलेगा कि निकालो, तो आप तो सोचेंगे कि d1y क्या है भाई, मेरे dy by dx ही है, डिफरेंशिएशन करना है एक बार, जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वही आंसर कर देंगे। तो इतने तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये बहुत हाई लेवल में पढ़ना है कि इतने हम लोग को अभी होने वाला है dy by dx या फिर f dash x, एक बार मिला भी है f dash x का मतलब डिफरेंशिएशन एक बार, अगर डबल डैश हुआ तो दो बार डिफरेंशिएशन। तो इतने तरीके से हम लोग को डिनोट्स करना है। प्यारे बच्चों अगर हम एक और क्वेश्चन ले कि आपको बोल रहा है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जरा देखिएगा सवाल बोल रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे फिर से क्वेश्चन लेके आपको हम समझाते हैं, क्योंकि कोई भी चीजें जो होती है प्यारे बच्चों आपको जो एक्सरसाइज में मिलता है क्वेश्चन वो नया नहीं मिलता है, उसके पहले अगर आप थ्योरी के मामला को समझ जाएंगे तो बहुत इजी वे में बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए एक अपने से एग्जांपल तक पे क्वेश्चन लिया जा रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इफ y इज इक्वल टू 3x² + x + 2। तेरे बच्चों ए वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3x² + x + 2 और आपको बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे आप सॉल्यूशन करेंगे, आप लिखिएगा गिवन y का वैल्यू कितना है 3x² + x + 2। तो आप सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन क्या कीजिए प्यारे बच्चों, कहीं भी आपको सवाल में बोलेगा कि तीन बार डिफरेंशिएशन करो, चार बार डिफरेंशिएशन करो, पांच बार डिफरेंशिएशन करो, तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट कोई करने का रूल नहीं होता। हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन वो पहले नंबर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि जो हमें डिफरेंशिएशन दिया रहेगा जिसका करना रहेगा सॉरी उसको हम लोग एक से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे वो दो बार करने बोले, चाहे चार बार करने बोले, चाहे हजार बार करने बोले, क्योंकि स्टार्टिंग वन से ही करना है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है वो दो तक ही पढ़ना है, दो बार डिफरेंशिएशन तक ही करने वाला पढ़ना है, तीन बार और चार बार अभी नहीं पढ़ना है। जब आगे के लेवल की आप पढ़ाई करोगे तो वहां पे आगे पढ़ने के लिए मिल सकता है। हालांकि हम लोग को जो क्वेश्चन है बुक में है क्लास ट्वेल्थ के लिए जो है हम लोग को दो बार ही डिफरेंशिएशन करने वाला मिल सकता है, तीन बार वाला कभी नहीं मिलेगा, ना आपको पढ़ने के लिए है ना कभी एग्जाम में आएगा। बस हम समझा रहे थे एक बात को। चलिए तो dy by dx आप एक बार निकालिए, तो यहां लिखेंगे d 3x² / dx / dx + d2 / dx। पहले बच्चों अगर इसका हम डायरेक्ट रूल करें तो 3 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, अब x के पावर में है वो भी आगे आ जाएगा, तो 3 और 2 जा 6 बन जाएगा, और 6 लिख देंगे और x के पावर कितना 1 क्योंकि पावर 2 है, फिर प्लस dx by dx का वैल्यू 1 प्यारे बच्चों और उसका तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखे चाहे नहीं लिखे। अब आपको करना होगा काम अगेन, अब जाकर जब एक बार डिफरेंशिएशन निकल गया तब आप लिखेंगे d² y / dx² अब जो मेरा पहले करके डिफरेंशिएशन आया है अब उसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको लिखेंगे d6x / dx + d1 / dx। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 6 जैसे ही बाहर निकलेगा तो dx / dx बचेगा, इसका मतलब 6 और 1 का तो ऑलरेडी 0, इसका मतलब कि अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो हम बोलेंगे कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर कितना आएगा, ओनली 6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं प्यारे बच्चों बुक को कि बुक में किस तरह का क्वेश्चन दिया है। हालांकि 5.7 एक्सरसाइज में इतना ही थ्योरी था, अगर इतना थ्योरी अगर आपको समझ में आया होगा तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एक्सरसाइज 5.7 में। तो जी हाँ प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना आराम से सीख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हार्ड है, तो नहीं प्यारे बच्चों बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस अर्थे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा,
एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आएगा आपको उसको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। एक और हम लोग एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। इस बार y बराबर दिया है x cos x, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। y बराबर दिया, y बराबर x cos x, और हमें बोल रहा है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, यानी कि इसका मान दे दिया और हमें डी स्क्वायर वाई बटा डीएक्स स्क्वायर का मान का पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, डी वाई बाई डीएक्स निकालेंगे। तो वाई के जगह पे क्या प्यारे बच्चों है, एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में डीएक्स। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को तो यू इंटू भी पर काम करना पड़ेगा बच्चों। तो एक्स हो गया यू और कॉस एक्स हो गया भी, तो यू को बाहर कीजिए, बाहर कर लिए। फिर cos x का डिफरेंशिएशन प्लस, अब की बार cos x को बाहर कीजिए और u का डिफरेंशिएशन। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं और आपको दिख पा रहा होगा कि x बनेगा इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x का, तो cos x और dx का डिफरेंशिएशन वन। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों पहला एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या मिल रहा है, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि माइनस को बाहर कर लिए, प्लस कितना प्यारे बच्चों कॉस एक्स। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसलिए क्योंकि हम लोगों को सवाल में था डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। हम अभी इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए फिर से आप अगेन कीजिए, अगेन पुनः डी स्क्वायर वाई बट्टा, अब आप डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जो एक बार करके मेरा डिफरेंशिएशन आया है, अब उसी को हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बट्टा डी एक्स, और प्लस में तो तोड़ सकते हैं, तो कोस एक्स बट्टा डी एक्स। तेरे बच्चों आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। करना क्या होगा, इसको आप देख पा रहे होंगे कि माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है, तो यू बोले तो माइनस को आप बाहर भी कर सकते हैं, नहीं तो माइनस एक्स को ही मान लीजिए यू। हम पूरा को भी मान सकते हैं, माइनस एक्स को हम यू मान लिए और साइन एक्स को हम भी मान लिए, यानी कि यहां तो यू इंटू भी तोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं और क्या बन जाएगा आगे। तो अगर हम इसको u मान लिए तो यहां पे फिर से अगर करेंगे u को बाहर तो माइनस एक्स को बाहर, भी का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस अब की बार साइन एक्स को बाहर करना है और u का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, और फिर प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी पता है हमको कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब जरा बात करते हैं माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों होता है कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स इंटू माइनस वन है ना, तो जैसे ही माइनस एक्स है तो माइनस को बाहर करेंगे तो डीएक्स बाय डीएक्स बचेगा, तो कुल मिलाकर माइनस वन यहां हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो कुल मिलाकर ये आया हमें माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो जो एक जाति का रहता है प्यारे बच्चों उसको जोड़ देते हैं, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स। अब जब आंसर भी देखेंगे तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स। प्यारे बच्चों बहुत इजी है। अब बात रहा कि आंसर मैच नहीं करेगा, कुछ अलग फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसको जरा देखना है कि वो किस रूप में आंसर दिया है, और हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप एक बार अच्छे से डिफरेंशिएशन करो, उसका जो आंसर आएगा प्लीज आप उसको दोबारा बार डिफरेंशिएशन कर दो, यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.7 में हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे, आज हम लोग उसका थ्योरी पढ़ रहे थे। और अगर आपको काम करने के लिए दे दिया जाए तो ऐसा तो लगता है कि आप सभी क्वेश्चंस को कर ही लेंगे। फिलहाल हम आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को देते हैं। क्या करना है, एक्सरसाइज 5.7 में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को आपको डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है,
यानी आप पहले आप एक बार अच्छे से डिफरेंशिएशन करना सीखो, आप dy बाय dx निकालो, उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा डीएक्स स्क्वायर। तो करना क्या है, पूरा का पूरा आपको एक से लेके दस तक के, हालांकि टोटल क्वेश्चंस का बात करें देख लेते हैं, तो टोटल क्वेश्चन 17 है, हम आपको 10 तक के क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग सही कर पाते हैं, और आपको एक से लेके 10 तक के 5.7 एक्सरसाइज का बनाना है। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं तक खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, आप बिल्कुल इसको सॉल्यूशन करिएगा, धन्यवाद।